हैदराबाद थल से अब्दुल खालिक की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद थल शाह सैद अली के मकाम पर एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलिक गजनफर अब्बास सीना ने कहा कि हमारे मुखालफिन सिर्फ झूठ की सियासत कर रहे हैं, वो जो बातें अवाम से कहते हैं खुद कभी इन पर अमल भी नहीं करते। सईद अकबर खान निवानी ने कहा था कि अगर हैदराबाद थल यूनियन काउंसिल में मलिक गजनफर अब्बास सीना के हाथों हार गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक्त 3000 के करीब लीड जीती थी, मगर खान साहब सियासत छोड़ना तो दूर, मजीद सियासत के साथ चिपक गए हैं। ये लोग सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं जबकि हम अमली काम करके दिखाते हैं। सरदार हमीद अकबर, तुम्हें पूछा कि सरदार हमीद अकबर ये रियासत में भाई हर साल तू जिला नादे में तू अपनी यूनियन काउंसिल चार यूनियन काउंसिल तू 4 करोड़ रुपये हटते चल उस अपने जसीब की गल है। हाँ जी सरदार सईद अकबर, अगर मैं अपने इस खारे च रखा तो सामू को क्या आखसी ओ भाई तू यूनियन काउंसिल हैदराबाद खड़ो के प्यार दे कि तू वसीब अपने की गल सुन दे भाई सियाल यूनियन काउंसिल तू हर साल 2 करोड़ रख दो तो मैं पता कि तो मैं कभी सियाल यूनियन काउंसिल तो माशाला एक ही ग्रह नहीं लाई तो मैं जवाब दिता होगा कि जिया असा जो थल आया असन जिताए ना जी तो असा इतू सारा लश्कर की छुपू रख गए हैं दो 2-2.5-3-400 बंदा इतू मैं नाल गए ट्रैक्टर ट्रालियां गिन गए क्रेन गिन गए अस उठ गए हैं थल आए पहले साल 2013 महीने रीट बाद सारे मुला खा के मले घूम गया जीत गए हैं आओ चलो कच्चे जी उत अस गए अस उत के ना लड़के ना काली थर की थे उतू थड़ा से ट्राली लड़ा से आगे हैदराबाद मैं इतहाई मशहूर हूँ थोड़ा कि तुसा इतनी प्यार करी हो इतनी मोहब्बत करी हो और इजहार ये है कि जी सारी रैली निकली है आप समय लगे और सिर्फ गरीब लोगों का प्यार है मोहब्बत है हाँ जी उन्होंने उनसे अल्लाह ताला दी मेहरबानी अल्लाह ताला तोड़ दी मेहरबानी करी सी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे सी और इंशाल्लाह अगले 5 साल के लिए आप सुनो जी इंशाल्लाह बस मैं थोड़ा नसीब सुन हाँ यार इन्ना 5 साल से वो मैं सारा फर्ज है सारी अपनी धरती है सारे अपने इतू बसने के सारे असा इतना ही जन्मे हैं इतना ही असा दफन की उन्हें इस वास्ते सानू इस धरती नाल प्यार है असा इस धरती के मकरूज हैं असा इस धरती के हाँ जी कर्जदार हैं असा इस धरती वास्ते कुछ ना कुछ करना है बड़ी मेहरबानी पार्लियामेंट आवाज नहीं उठाई समझ आई ना उस तू पहले नमूस रिसालत की शेख तरमीम थी आई कै सियासी आवाज ना ही उठाई कद मुतालबे थोड़े को तुस दीन इस्लाम की गल से डट बैसो दोबारा मशहूर है की उन्होंने बड़ी कोशिश की उसके बावजूद भी हाफिज साहब डट गए हाफिज साहब।